गाइज राधे राधे, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरी ड्यूज आइटम में। आज ना मैं लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर पोशाक बनाना बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। देखिएगा, मैंने 3.5 इंच चौड़ा और लंबाई बता रही हूँ, ये देखिएगा इधर से, और इसकी लंबाई 27.5 इंच है, यानी कि 26.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसमें अस्तर भी मैंने ऐड किया हुआ है, और ये देखिएगा इसकी 7.5 लंबाई है जो चोली के लिए, और 3 इंच की चौड़ाई है। तो ये चोली के लिए हो गई और वो घेर के लिए, तो दोनों में अस्तर हैं बराबर के। मैं इसमें क्या उल्टी साइड से सिलाई लगा के और फिर सीधा करके फिर ये वाली लेस लगाऊंगी मैं इसमें। ये देखिएगा मैं अभी इसे उल्टा सिल रही हूँ, तो सिल लिया मैंने, सीधा भी कर लिया। अब मैं इसमें ये लेस लगाऊंगी, इससे क्या है थोड़ा सुंदर दिखने लगी। देखो मैं लेस ऐड कर रही हूँ, एकदम से आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है ये। ये देखिएगा लेस लगा ली, तो लेस थोड़ी आप हैवी लेस लगाई तो आपके साधारण सा भी कपड़ा हो तो आपके लड्डू गोपाल जी की बहुत ही हैवी पोशाक बन के रेडी हो जाएगी। देख बहुत ही सुंदर पोशाक लगेगी बनने के बाद। ये देखिएगा मैंने इसमें लेस ऐड कर ली है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। ये देखिएगा हमारी लेस लग के रेडी हो गई है, और साइड साइड से हम क्या करेंगे, जो हम जिस सिलाई को दबाने के लिए ये पतला वाला गोटा लगाते हैं तो वो लगाएंगे, इससे क्या हमारी सिलाई दब के रेडी हो जाएगी, इसमें नॉट लग जाएगी। ये देखिएगा ये लॉक हो जाएगा ये, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इधर से सिलाई नहीं लगाने पड़ती है, ये हमारी चोली। तो हम यहाँ 1 इंच के करीब इसमें उल्टे साइड से तिरछा थोड़ा सा हल्का सा सिलाई लगा लेंगे, और ये देखिएगा, और आस्तीन में भी थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से उल्टा करके, ऐसे करके आधा आधा इंच हम इसमें भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा अब हम इसे सीधा कर रहे हैं, दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा दी है और इसे चोली को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, घेर वाले में चुन्नट डालेंगे यानी प्लेट डालेंगे, इधर भी लॉक करने के बाद, दोनों साइड लॉक करने के बाद हम अब इसमें प्लेट डालेंगे। ये देखिएगा एकदम पास पास में प्लेट डाल के, ये हमारी जो चोली का घेर है वो 5 इंच है, तो हमें उसी हिसाब से प्लेट एकदम घनी घनी डालना कि हमारा 5 इंच ही रह जाए। ये देखिएगा पास पास में करके हम इसमें प्लेट डाल के रेडी कर लिया है हमने, और इसमें हम चोली में से ऐड कर देंगे। ये देखिएगा अब हम इसमें चोली रखेंगे, उल्टी साइड से हम इसे इसमें सिलाई लगा देंगे, तो यहाँ से रखने के बाद सिलाई चालू करेंगे। देखिएगा ये देखिएगा हमने इसमें चोली को ऐड कर दिया है, और बहुत ही आसान तरीके से हमारी लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी पोशाक बन के रेडी हो गई है। ये देखिएगा अभी मैं दिखाती हूँ, पहले भी दिखाई, देखिएगा कितनी सुंदर, थोड़ा सा लेस अच्छा है इसीलिए बहुत ही सुंदर पोशाक लग रही। तो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।